नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे लोग आज की डेट में जो है वो सिल्वर और गोल्ड में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस मेटल है इंडिया के या वर्ल्ड के, और इसमें कभी भी ये जीरो नहीं हो सकते। इसमें हमेशा आपकी सिक्योरिटी बनी रहती है, और ये भी देखा गया है कि जब भी मार्केट में कोई बड़ा क्रैश या अनहोनी होती है तो लोग इक्विटी से पैसा निकाल करके सिल्वर और गोल्ड में डालते हैं, जिससे कि इसमें बहुत तेज़ रैली आती है। तो जो लोग भी सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो जो है स्पेशल उनके लिए डेडिकेटेड मैंने बनाया है। और मैं आपको सबसे पहले ये सलाह दूंगा कि गोल्ड से बेहतर सिल्वर रहेगा, ठीक है। गोल्ड से बेहतर सिल्वर इसलिए रहेगा क्योंकि सिल्वर जो है एक प्रीसियस मेटल होने के साथ साथ इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। आप मिठाई पैकिंग से एरोप्लेन से लेकर के मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग से किसी प्लांट में, मशीनरी में, या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अगर बिजली का कोई चीज़ बनती है तो उसमें सिल्वर का इस्तेमाल ज़रूर होता है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होने के कारण जो है सिल्वर में बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे कि उतार चढ़ाव, जिसको कि हम टेक्निकल भाषा में वॉलिटिलिटी कहते हैं, बनी रहती है। अगर सिल्वर जो है रोज़ 2% 3% ऊपर नीचे चलता रहता है तो इसमें क्या है, आप बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो अगर आप रेगुलर सिल्वर में सिर्फ ट्रेड करो। तो मैं आज एक आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ कि सिल्वर में किस तरीके से ट्रेड करके आप एक पैसिव और एक रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम तक चलता रहेगा और आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी। और दूसरा, पैसों की सेफ्टी भी है, कभी भी आपका पैसा जो है जीरो नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूं किस तरह आप सिल्वर में ट्रेड करके रेगुलर इनकम बना सकते हैं। दोस्तों, तो अगर आप सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक मैंने आपके लिए फॉर्मेट तैयार किया है। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक ETF का ट्रेडिंग कोर्स है छोटा सा। जो लोग भी नए जुड़े हैं, नंबर यहाँ दिया हुआ है 6201514820 नंबर पे व्हाट्सअप करके, हाय हेलो करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम सिल्वर में ट्रेड करेंगे, ये हम देखते हैं। सबसे पहले कहीं भी ट्रेड करने से पहले एक आपका पोजिशनल एनालिसिस आप कर लीजिए। यहाँ मैंने सिल्वर बीज का किया हुआ है। आज के तारीख में सिल्वर बीज 86.13 रुपये का चल रहा है। ग्राफ का ERI, ग्राफ का, जब आप 1 ईयर का टाइम फ्रेम पे ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे तो सबसे हाई पॉइंट इसका जो है 93.04 रुपये का आ रहा है। इसका 1% वैल्यू ग्राफ ईयर का 0.93 आ गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 1.86 आ गया। अब आप बोलेंगे कि मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कारण ये था दोस्तों, एक फैक्टर बनाना था मुझे, जितना रुपया माइनस होगा तो इतने रुपये की गिरावट पे मैं इसको ख़रीदता रहूँगा। जब भी सिल्वर 1.86 रुपये गिरेगा मैं उसको परचेज करूँगा, ठीक है दोस्तों। अभी सिल्वर जो है टोटल -7.43% गिरा हुआ है अपने ERI से। तो देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या कहती है। सबसे पहले ये है कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपये को जो है आप 10 भागों में बांट लीजिए। अगर 5 लाख है तो 5 लाख को 10 में बांटिए, 10 लाख है तो 10 को 10 में बांटिए, ठीक है। इस तरीके से आपको एक बार में सारा पैसा नहीं डालना है, आपको 10 पार्ट्स में पैसों को कर लेना है। सबसे पहले हमने मान लीजिए 18.86.13 पे 10,000 आ रहा है 1 लाख का, तो 116 यूनिट आएंगी, 116 यूनिट हमने बाई कर ली। यहाँ पे हम LTP पुट करते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और हम देखते जाएंगे कि किस तरीके से जो है अपना ये चेंज हो रहा है। अब क्या है, LTP यहाँ पे हमने पुट किया तो बाइंग प्राइस ये है। बाइंग प्राइस का फार्मूला आपको मालूम होगा, बाइंग प्राइस इक्वल टू होता है आपका एवरेज कॉस्ट, और जब यूनिट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो बाइंग प्राइस आ जाता है। मार्केट प्राइस के लिए हम लोग करते हैं LTP माने CMP माने मार्केट प्राइस, और यूनिट्स को गुना करते हैं तो मार्केट प्राइस आ जाता है। मार्केट प्राइस माइनस बाइंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट लॉस, क्योंकि ये अभी 86.13 पे है तो यहाँ पे जीरो दिखाएगा।
नेक्स्ट बाइंग प्राइस आपको पहले से पता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने फैक्टर से इसमें फार्मूला लगा के माइनस कर दिया है। हर ₹1.86 के गिरावट पे ख़रीदना है तो नेक्स्ट क्या है निकल के आती है, ₹84.27 का हम एक लिमिट ऑर्डर लगा देंगे 119 यूनिट्स का, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करके ऑलरेडी 10,000 को इससे डिवाइड करके फार्मूला लगा के रखा हुआ है। अब आप से देखिए, मान लीजिए कि मार्केट जो है कल के दिन ये आपका यूनिट ये वाला ट्रिगर हो गया, ठीक है। आपने ऑर्डर लगाया तो सिल्वर गिर गया तो 84.27 यूनिट्स हमने परचेज कर ली, 119 यूनिट्स हमने परचेज की। ध्यान से आप देखेंगे कि जैसे जैसे जो है ये कम्युलेटिव एवरेजिंग हो रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे 116 थी तो यहाँ पे 119 आ गई, ठीक है। प्राइस गिरा, अमाउंट आपने बाइंग का सेम रखा, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका एवरेजिंग चल रहा है, यूनिट्स आपकी बढ़ती जा रही हैं। अभी नेक्स्ट बाइंग प्राइस आ गया यहाँ पे 82.41 में ₹121 का, मान लीजिए फिर आपने लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ा और ये यहाँ से आ गया आपका ₹82 पे फिर आ गया, तो यहाँ पे आपका ₹82.41 पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपकी बाइंग हुई 121 यूनिट की, जो कि आपने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था। अब क्या है, यहाँ पे मैं इक्वल टू का निशान देके ये पुट कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद में मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। सिर्फ येलो कॉलम्स को ही हम लोगों को फिल करना है फ्रेंड्स, ठीक है। येलो कॉलम्स को फिल करना है, बाकी सारा ऑटोमेटिकली फीडिंग ले लेगा यहाँ से। ये मैंने फार्मूला पुट कर दिया। अब देखिए हमको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे 2-1 दिनों के बाद में इसका प्राइस हो गया ₹88 का, तो मैंने एंटर पुट कर दिया 88 के साथ में। अब आपको ये प्रॉफिट लॉस का कॉलम यहाँ पे चेक करना होगा, ठीक है। जहाँ भी आपको 3% 2% का प्रॉफिट दिखता है, 10,000 पे ₹600 का प्रॉफिट है, 10,000 पे ₹400 का प्रॉफिट है, 10,000 पे ₹217 का प्रॉफिट है, तो 300 से ऊपर जहाँ भी प्रॉफिट होगा उसको आप बुक कर लेंगे। प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, तो आपको ये और ये, ठीक है, ये और ये लॉट आपको बेच देना है, इन दोनों को ऐड आप कर लीजिए। ऐड करके कितना आ रहा है मैं आपके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आपने इन दोनों को ऐड किया, 119 प्लस 121 को आपने ऐड कर लिया, तो आपको 240 यूनिट्स जो है वो आपको सेल कर देना है। 240 आ रहा है इन दोनों को ऐड करके, 240 यूनिट्स को आपको इसी मार्केट प्राइस पे ₹88 पे आपको सेल कर देना है। जैसे ही सेल होता है इसको आपको डिलीट कर देना है। आपने इसको डिलीट कर दिया, अब क्या करना है आपको, फिर एक लिमिट ऑर्डर लगाना है, ठीक है। इस बार लिमिट ऑर्डर आपका लगेगा, फिर से उसी प्राइस पे लग जाएगा। इसका ब्यूटी ये है फ्रेंड्स कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप पैसा बनाएंगे, मार्केट नीचे गिर रहा है तो भी आप पैसा बनाएंगे। अगर मार्केट अपनी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, मान लीजिए 6वें रो में हम लोग चले गए और यहीं पे मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम सिर्फ नीचे वाली लॉट को खरीद बिक्री करते हुए पैसा बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका हर केस में पैसा बनेगा, कभी भी आप बोर नहीं होंगे। जैसे ही मार्केट खुलता है वैसे ही आपको एक लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगते ही आपका अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर अगर 300 से ऊपर प्रॉफिट अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सपोज़ करो कि आपने इसी पे 300 से ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो आपकी पूरी रो डिलीट हो गई, ठीक है। उस केस में क्या करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूरी रो डिलीट हो गई तो आपने इसको भी सेल कर दिया, अब आपको फिर ₹88 का ही ख़रीद लेना है क्योंकि प्राइस ये चल रहा है, ठीक है। ₹88 का ख़रीद लेना है, कितने यूनिट्स आपको ख़रीदना है तो 10,000 डिवाइड बाई 88, ठीक है, आपको 113.63 आ रहा है, तो आपको 114 यूनिट्स आपको ख़रीद लेनी है। जैसे ही आप यूनिट खरीदोगे तो आपको जो है नेक्स्ट बाइंग प्राइस का पता चल जाएगा। नेक्स्ट बाइंग प्राइस ये है, अगला ऑर्डर आपको ₹186 पे 14 पैसा पे 116 यूनिट का लगा करके छोड़ देना है। जब तक मार्केट खुला रहे आपका ऑर्डर लगा रहेगा, क्योंकि आप और मैं कोई नहीं जानते हैं, ना कोई बता सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे आएगा। तो जैसे ही आपके ऑर्डर पे मार्केट आता है तो मार्केट क्लिक कर जाएगा और आपका ऑर्डर जो है फ्रेंड्स एग्जीक्यूशन हो जाएगा ऑर्डर का, ठीक है। और आप यहाँ पे फिर उसकी एंट्री कर दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको करते रहना है। अब कुछ बुद्धिजीवी और समझदार लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं,
मार्केट में बहुत दिनों से हैं, वो बोलेंगे कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है और मेरे हिसाब से नहीं चलता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मार्केट मेरे और आपके हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट चलता है फीफो के हिसाब से, FIFO। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है फ्रेंड्स, आप जब ये वाली यूनिट बेचोगे तो मार्केट आपकी ये वाली यूनिट बेच देगा। इसके ऊपर अगर मैं अभी चर्चा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा खेल आपके समझ में नहीं आएगा। एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है जिसको कि मैं एंड स्क्रीन पे अभी लगा दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर देखिए, आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। आपके 25 पैसे भी कहीं और नहीं जाएंगे अगर आप डिसिप्लिन से एक्सेल में एंट्री करते हो और आप डिसिप्लिन से वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो। ठीक है, एक आप प्रॉफिट का भी बना सकते हो कि जितना आपने प्रॉफिट बुक किया आप लिखते जाओ कि भाई आज मैंने इतना प्रॉफिट बुक किया, कल मैंने इतना प्रॉफिट बुक किया, इस तरीके से आप प्रॉफिट का भी आप मेजरमेंट कर लो। तो मैं फीफो वाली वीडियो भी डाल दूंगा एंड में, जिससे कि आपको जो भी क्वेरी है फीफो की वो आपको दूर हो जाएगी फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो लोग नए जुड़े हैं वो व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख के कोर्स की इंक्वायरी कर लीजिए, बहुत ही छोटा सा कोर्स है। और इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो ये फिर कहीं अंडरग्राउंड चली जाएगी तो आपको दोबारा नहीं मिलेगी, इतनी नॉलेजफुल वीडियो है फ्रेंड्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल पर आते रहिएगा। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।